नमस्कार, मैं हूं अजय त्रिपाठी। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बिग डिबेट। तमाम राजनेता, तमाम सियासतदार अक्सर बातें करते हैं रेवड़ियों की, और आम आदमी जैसी पार्टियों पर आरोप लगता है कि रेवड़ियां बांटकर सत्ता के संघर्ष में आगे जा रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें, कुछ दिनों से देख रहे हैं कि कांग्रेस हो या बीजेपी, अभी चुनाव में 11 महीने शेष है, लेकिन दोनों पार्टियां लगातार इस तरह की घोषणाएं कर रही कि रेवड़ियां अपने आप दिखाई पड़ती हैं। कमलनाथ जहां तमाम घोषणाएं कर रहे हैं, रामबन कमल पथ के लिए लगा देंगे, 1 रुपये यूनिट बिजली मिल जाएगी, किसानों का कर्जा माफ होगा, वो सारी घोषणाएं जो पिछली बार उन्होंने की थी उनको फिर से दोहराया जा रहा है, रोज चिट होता है। वहीं शिवराज सिंह चौहान लगातार प्रदेश का एक एक चप्पा चप्पा छान रहे हैं और रोज घोषणा करते हैं, चौपाल से सरकार चला करेगी, अब गांव से सरकार चलेगी, मुख्यमंत्री योजनाएं वहां तक पहुंचा रहे हैं, उन तमाम चीजें बात कर रहे हैं जिन पर की बात कही जाती है कि आखिरकार सियासतदार रेवड़ियां बांटने जा रहे हैं। इन सारे मुद्दों को लेकर आज की हमारी ये फेस डिबेट होगी। हमारे साथ 3 खास मेहमान होंगे जो एनालिसिस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, उसका क्या रिजल्ट निकलेगा। इन सारे मुद्दों पर हम लोग चर्चा करें, उसके पहले देखिए हमारे साथी अतुल पाठक की ये छोटी सी रिपोर्ट। वादों के सहारे लगेंगे किनारे, 23 का दंगल, रेवड़ियों से होगा मंगल, सौगातों की रसमलाई, कर्ज की बढ़ती खाई, खैराती सरकार, कैसे होगा उद्धार, कमलनाथ के राम बनाएंगे काम, 1 रुपये यूनिट बिजली, सियासत होगी उजली, खोलेंगे पेंशन का पिटारा, कमलनाथ का नया नारा, पुलिस को मिलेगा अवकाश, होगा बहुत विकास, किसका होगा राम गमन पथ, कौन लेगा शपथ। 2023 का दंगल वादों के सहारे लड़ा जाने वाला है। अब सियासी तर्कश के सारे तीर खत्म हो गए तो बचा है लोक लुभावन वादों का वो ब्रह्मास्त्र जिसे जीत की राह का अचूक हथियार माना जाता है। कमलनाथ इसी राह पर हैं। कमलनाथ 1 रुपये यूनिट सस्ती बिजली देने का वादा कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से कमलनाथ रोज एक ट्वीट कर नया वादा जनता के सामने रखते हैं। कमलनाथ ने राम वन गमन पथ के निर्माण से लेकर पंचायत स्तर में फिर से गौशाला बनाने जैसे भावनात्मक वादों को हाथ में लिया है, तो पुलिस को अवकाश देने, पुरानी पेंशन स्कीम शुरू करने और 1 रुपये यूनिट बिजली देने जैसे वादे करके जनता को लुभाने की कोशिश शुरू कर दी है। कमलनाथ ने किसानों की कर्ज माफी को भी मुद्दा बनाने का मन बना लिया है। उन्हीं बातों को रख रहे हैं जो हमने पहले घोषणा करी हुई है। हमारी सारी घोषणाएं जो पिछले चुनाव में हमने करी थी वो यथावत रहेंगी। लोग थे, उन्होंने गद्दारी करके सत्ता हासिल करी, जिस तरह से प्रदेश की जनता ने देखा कि किस तरह से लोग खरीदे गए, तो उन बातों को अगर आज जनता मन में रखी हुई हो तो 2023 के चुनाव में हम लोग उसी को लेकर आगे जाएंगे। कमलनाथ एक के बाद एक ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं जो सरकारी खजाने का सीना चीर सकती है। कमलनाथ जब सरकार में आएंगे तब ऐसा करेंगे, लेकिन शिवराज सरकार भी सरकारी खजाने की परवाह किए बगैर एक के बाद एक बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। खजाना सूखता जा रहा है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, लेकिन 1 लाख नियुक्तियों की राह खोल दी गई है, क्योंकि सरकार बनाना है। सरकार शिवराज की बने या कमलनाथ की, खजाने में इतनी ताकत कहाँ जो इनके भारी भरकम वादों को पूरा करने का बोझ उठा सके। हालांकि बीजेपी प्रधानमंत्री की नीति के चलते सस्ती बिजली और कर्ज माफी जैसे वादे नहीं कर रही है, लेकिन कमलनाथ के ऐसे वादे से परेशान जरूर है। राम से लेकर रोटी तक कमलनाथ के अचूक माने जा रहे वादों पर बीजेपी हमलावर है। ट्विटर की झूठी चिड़िया आज फिर उड़ गई, 1.5 साल मौका दिया उसमें नहीं कर पाए, अब फिर ये कहने आ गए कि हम कर देंगे। काठ की हंडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती, जनता उनका सच जानती। वादों की रेवड़ियां सियासत की चाशनी में डूबकर मतदाताओं के मुंह में पानी ला सकती है। इतिहास गवाह है, लोक लुभावन वादों ने राजनीतिक दलों की सत्ता की राह आसान की है। ये बात अलग है कि वादों के बोझ तले दबे सूबे के अर्थगणित की परवाह नहीं की गई। सियासत के राजसी खर्चों और वादों को पूरा करते करते एमपी 3 लाख करोड़ के कर्ज में डूब गया। ना तो बीजेपी की सरकार बढ़ते कर्ज की जिम्मेदारी लेती दिखती है और ना ही कांग्रेस ये बताने को तैयार है कि इतने वादे पूरे करने का बजट आएगा कहां से। अतुल पाठक, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। सिर्फ बाकी रह गया बेलौस रिश्तों का सफर, कुछ सियासी तुम हो गए, कुछ सियासी हम हो गए।
मध्य प्रदेश की सियासत में यही हो रहा है। दोनों पार्टियां सत्तारूढ़ बीजेपी और सत्ता के लिए आने के लिए छटपटा रही कांग्रेस, दोनों मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि एक बार वही फिर से लागू किया जाए मध्य प्रदेश में, जिनके आधार पर सियासत चला करती है। एक ऐसा ब्रह्मास्त्र फेंकने की कोशिश की जा रही है जिस ब्रह्मास्त्र को कहते हैं रेवड़ियां सियासत की भाषा में। उसके सब कुछ कहने के बावजूद, सब कुछ जानने के बाद भी दोनों पार्टियां लगातार घोषणाएं कर रही हैं, जबकि दोनों बार बार कहती हैं कि रेवड़ियों पर उनको भरोसा नहीं है। तो आखिरकार ये सब क्या है? इन्हीं सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ रहे हैं और इन तीनों मेहमानों से हम बातचीत करेंगे और ये समझने का, जानने का प्रयास करेंगे, एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि आखिर दोनों लोग, दोनों पार्टियाँ किस तरह से ये अपने अगले बैतरणी जो चुनाव की उसको पार करने की कोशिश कर रही हैं। मेरे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता अनुराधा जी जुड़ी हुई हैं, ग्वालियर की बेहतरीन वकील, बड़े दिग्गज वकीलों की तरह बात करती हैं और कांग्रेस की प्रवक्ता की तरह भी बात करती हैं, लेकिन उनका लहजा हमेशा रहता है कि दमदारी के साथ। और दुर्गेश केसवानी, डॉक्टर दुर्गेश केसवानी भारतीय जनता पार्टी के वो प्रवक्ता, बड़ी सज्जनता के साथ बात करते हैं, चिल्ला चोट नहीं करते हैं, बड़ी शालीनता के साथ बात करते हैं, लेकिन पूरे तथ्यों के साथ अपनी बात रखते हैं। जब भी स्टूडियो में आते हैं तो कागज़ कलम पहले उठा लेते हैं। और गौरव चतुर्वेदी का परिचय मैं आपसे कराऊं, बेहतर इससे होगा कि आप खुद जानते हैं स्क्रीन पर, वो युवा कलमकार जिनकी कलम ना तो कमलनाथ को देखती है, ना शिवराज को देखती है, ना बीजेपी को देखती है, सिर्फ देखती है कि सच क्या है। ऐसे पत्रकार हमारे साथी गौरव चतुर्वेदी, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं दुर्गेश जी आपके पास आना चाहता हूँ, ये जानते हुए कि आप लोग जब दिल्ली का चुनाव था, इसके पहले MCD के चुनाव हुए, आप लोग रोज गरी आते थे आम आदमी पार्टी को, रेवड़ियां बांट रहे हैं और आपके मुख्यमंत्री जी रोज कर रहे हैं, ये क्या है? देखिए अजय जी, हमारे मुख्यमंत्री जो कर रहे हैं वो निश्चित रूप से आप देखेंगे, 2003 में जब हमारी सरकार उसके बाद आई थी तो मध्य प्रदेश बिजली लैप्स स्टेट था और अब बिजली सरप्लस स्टेट है। सिंचाई का रकबा 4.5 लाख हेक्टेयर हुआ करता था, अब 45 लाख हेक्टेयर है। हमने PMY में मकान, जब पहले एक पंचायत में 2 से 3 मकान देने का होता था, अब 167 प्रति पंचायत हम मकान दे रहे हैं। तो जो हमने वादे किए, हमने जो घोषणाएं की, हमने वो तक पूरी की, पर जो हमारा विपक्षी दल है वो तो वचन देकर भी मुकर गया। वचन, जिस एक वचन के पीछे प्रभु श्री राम जी ने 14 वर्ष का वनवास लिया, कमलनाथ जी ने सत्ता प्राप्ति के लिए, जिस तरह से अब आपने भी एक शब्द यूज़ किया कि छटपटा रहे हैं, उस सत्ता के लिए उन्होंने 973 वचन दिए और आज निश्चित रूप से जनता को जवाब देने का समय है, तो वो पुनः घोषणाएं कर रहे हैं। वो फंड्स के, कमलनाथ जी मुझे आज भी याद है, जब उन्होंने मुख्यमंत्री के उस पर साइन किया था तो उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश फंड्स की कमी से जूझ रहा है। और हमारे एक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं जो प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता को भगवान के रूप में पूजते हैं और कहते भी हैं कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, जनता इसकी भगवान है और पुजारी है तो शिवराज सिंह चौहान है। उन्होंने उन 16 सालों में कभी फंड्स के लिए रोना नहीं रोया, हमेशा आज भी वो कहते हैं कि जनता के हित के काम, जनता के हित के काम वो कभी भी किसी भी समय। डॉक्टर दुर्गेश, हम लोगों के मन में यही तो सवाल उठता है कि भाई इतने सारे आपने कह दिए कि बिजली ले सरकार दे, प्रदेश था आपने बिजली से परिपूर्ण कर दिया, पानी से कर दिया, स्वास्थ्य से कर दिया, शिक्षा बढ़िया कर दी, सड़क बढ़िया कर दी, आपने सब कुछ बढ़िया कर दिया, स्वर्णिम मध्य प्रदेश आपने बना दिया, फिर आपको इतनी चिंता क्यों है? जिस मुद्दे पे मैं आपसे लौटूंगा, लेकिन पहले एक कमेंट ले लेता हूं अनुराधा जी का। अनुराधा जी, अचानक क्या हो गया आपके मुख्यमंत्री जी, पुरानी घोषणाएं आप लोग फिर, क्या चुनाव बिल्कुल नजदीक दिख रहा है क्या? रोज एक घोषणा, 1 रुपये बिजली मिलेगी, राम वन गमन योजना फिर शुरू होगी, अचानक क्या हो रहा है ये? स्वराज एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को, आपको और सम्मानित पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार जी। सर्वविदित है 2018 के चुनावों में मध्य प्रदेश की जनता ने आदरणीय कमलनाथ जी को कांग्रेस को मैंडेट दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह लोकतंत्र के मूल्यों पर कुठाराघात किया, सर्वविदित है। 18 सालों से आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का कुशासन है कि आज मध्य प्रदेश 3 लाख करोड़ का कर्जदार है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज मध्य प्रदेश का प्रति व्यक्ति 51,118 रुपए का, आप ये देखिए, कर्जदार है। क्यों? 18 साल तो भारत के किसी भी मुख्यमंत्री को मिलते तो वो स्टेट देश का नंबर वन होना चाहिए था। मैं आपसे कहती हूं कि आदरणीय कमलनाथ जी ने जो कहा और उन्होंने त्वरित रूप से
अपने जो हमारी घोषणा पत्र थी, जो कांग्रेस ने अपने वादे, आप स्वयं ही बता रहे हैं कि उन्होंने लागू किए, जैसे 27 लाख किसानों का कर्जा विधानसभा के पटल पे भी माना गया है। वही बात तो मैं, सवाल तो वही उठ रहा है ना, आप कह रही हैं कि इतना कर दिया, कर्ज में दब गया, पर आप जब 1 रुपए बिजली देंगे और तमाम चीजें करेंगे तो ये कर्ज तो बढ़ जाएगा मैम ना। देखिए सर, आदरणीय कमलनाथ जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जी, समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र के ज्ञाता है, उनका जो एक्सपीरियंस है, वाइड एक्सपीरियंस, वर्ल्ड वाइड रिनाउंड है, जो उन्होंने की पोर्टफोलियोज भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री रहते हुए भी जो उन्होंने बखूबी निभाए, उनको वर्ल्ड में कई देशों में आज भी वो नजीर है। आपको मैं ये बताना चाहूंगी कि पहले भी उन्होंने किया, और आप ये देखते जाइए, आप डेवलपमेंट की आप बात करते हैं, आप तो छिंदवाड़ा मॉडल को ही ले लीजिए ना सर, छिंदवाड़ा मॉडल मध्य प्रदेश का रोल मॉडल है। आप देखिए वहां की हर तरीके का, अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, वहां पे ट्रेनिंग स्कूल्स हैं, वहां मल्टीनेशनल कंपनियां स्टूडेंट्स को लेती हैं प्लेसमेंट के लिए, तो ये उनका विजन है, उन्हीं का विजन था कि आप देखिए मध्य प्रदेश में, मैं आपसे कहती हूँ महाकाल कॉरिडोर का, आप अभी आप खुद ही स्वयं बता रहे हैं कि उन्होंने, देखिए गौशालाओं का आप ले लीजिए, मैं कहती हूँ कि पुलिस को देखिए कितनी बुनियादी आवश्यकता है आज हमारा पुलिस बल, कितनी आप देखिए वीआईपी ड्यूटीज करते हैं, क्योंकि मैं एज अ लॉयर भी आपको बता रही हूं कि सर अंदाजा जी थोड़ा सा ट्रैक करिए, मैं वही तो बात, वही तो मुद्दा हो रहा है, वही मैंने दुर्गेश जी, मेरी आपत्ति दुर्गेश जी की वही थी कि जब आप बहुत अच्छा कर दिया गया, जनता ने हमें मैंडेट दिया था कांग्रेस की सरकार को, तो हमने आते ही हमारी कांग्रेस जो कहती है वो करती है, और आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने उसका आप देखिए फौरन उनको उन स्कीम जो उन घोषणा पत्र में जो कांग्रेस ने वादे किए थे तत्काल प्रभाव से आप स्वयं, मैं बातों की बात नहीं करूं, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं लौटूंगा, मैं गौरव के पास जा रहा हूं, मैं लौटूंगा आपके पास, बातों की बात नहीं हो रही है यहां पर। गौरव भाई, बड़ी दोनों मेहमानों को आपने सुना, दुर्गेश केशवानी बार बार कह रहे हैं कि उनको उन्होंने एक ऐसा प्रदेश मिला था जिसको उन्होंने बिल्कुल स्वर्णिम कर दिया, अनुराधा जी बार बार कह रही कुछ नहीं किया, तो दोनों पार्टियों को अपने किए गए कामों पे इतना भरोसा है, तो ये रोज कहीं फ्री की बिजली, राम वन कमन, गांव से चौपाल चलेगी, इन सारी मुद्दों पे आए, क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि लगातार काम हो रहे हैं, रोज मुख्यमंत्री जी घोषणाएं कर रहे हैं, रोज गृह मंत्री जी घोषणाएं कर रहे हैं, रोज माननीय मंत्री अलग घोषणाएं कर रहे हैं, कमलनाथ जी अलग रोज घोषणाएं करते जा रहे हैं। आपको याद होगा कि जब बीजेपी की सरकार 2003 में आई थी और पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे उमा जी की सरकार बनी थी, तो एक मुझे याद है, शायद आपको भी याद होगा, अपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, एक शेर पढ़ा गया था उसमें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय वित्त मंत्री जी की ओर से, हमको नवादा सिकंद समझना, तुम कुछ तो देर लगती वादों को निभाने में। 2003 से 23 आ गया, कितना देर लगेगी इन लोगों को वादों निभाने, वादे कैसे निभाए जाएंगे जैसे दोनों बातें कर रही हैं। नहीं, 2003 की परिस्थितियां और अगर आज 2022 की परिस्थितियों को हम देखें जी, तो परिवर्तन तो आया है, लेकिन परिवर्तन के साथ साथ जो सबसे बड़ी विसंगति आई है वो विसंगति है कि क्योंकि जनता को आप जितना भी देंगे जनता उतनी असंतुष्ट रहेगी, वैसे ही राजनेता हैं, राजनेताओं को जितनी सत्ता मिल जाए उसके बाद भी वो असंतुष्ट रहेंगे, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज जी हों या कमलनाथ रहे हों। 30,000 करोड़ से जो कर्ज छोड़कर गई थी कांग्रेस सरकार वो आज 3 लाख करोड़ के ऊपर पहुंच गया, 10 गुना कर्ज मध्य प्रदेश का बढ़ गया। आप इस 10 गुना कर्ज में अगर देखें क्या मध्य प्रदेश की स्थिति उतनी बेहतर हो पाई है, कंपेयर करें, हम जो पैसा खर्च हुआ है, जो कर्जा आज मध्य प्रदेश के ऊपर है उसके आधार पर बात कर रहा हूँ। वित्त मंत्री राघव जी थे भाजपा के, मैं नहीं कह रहा हूँ, भाजपा के वित्त मंत्री राघव जी ने कहा था कि लगभग 40% पैसा आज की तारीख में करप्शन में जा रहा है, कमीशन में जा रहा है। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये राघव जी का आंकड़ा था। अगर हम इस को सूक्ष्म नियंत्रित कर लेते तो जो आज 3 लाख करोड़ का कर्जा है वो शायद 1,20,000 करोड़ के आसपास होता। दूसरा, जो इवेंट को लेकर के सरकार लगातार खर्चे करती रहती, जो अधिकारियों के भी खर्चे अनाप शनाप बढ़ गए हैं, कर्मचारियों के भी बढ़ गए हैं, राजनेताओं के भी बढ़ गए, अगर इसको नियंत्रित कर लिया जाता तो और बेहतर स्थिति होती और ये जो घोषणाएं हैं वो वाकई में जमीन पर उतर गई होती। और अब शायद जैसा अनुराधा जी ने भी कहा कि 18 साल के मुख्यमंत्री अगर हैं तो फर्स्ट नंबर 1 हो जाना चाहिए था,
तो आज जनता को संतुष्ट करने की हमें आवश्यकता नहीं रहती। कमलनाथ जी भी जो समय मिला उस समय में वो प्रदर्शन नहीं कर पाए जो उन्हें करना था, और आज उनकी भी जो छटपटाहट है सत्ता में आने की या सरकार में बने रहने की, भाजपा की जो छटपटाहट है, वो घोषणाओं के तौर पर सामने आ रही। मैं दुर्गेश जी के पास आ रहा हूँ, वही बात देखिए, गौरव जी भी बात कर रहे थे कि आप जो घोषणाएं कर रहे हैं दुर्गेश जी, चलिए बहुत अच्छा बन गया, पर आप रोज एक नई घोषणा करते हैं। घोषणा आपकी होती है मुश्किल से 1000 करोड़ 100 करोड़ रुपए की, इवेंट पे उतना पैसा उसके इवेंट पे खर्च हो जाता है, तो ये तो दोहरा बोझ पड़ रहा है ना। देखिए अजय जी, सबसे पहले तो मैं जो हमारी कांग्रेस की पैनलिस्ट बैठी हैं उनसे, मैं उनके बात पे, 60 साल तक कांग्रेस राज करती रही, पर उनको अगर कोई अपेक्षा है तो वो भारतीय जनता पार्टी से है कि 18 साल में आप स्वर्णिम प्रदेश बनाएं। मैं उनका साधुवाद देता हूं कि उन्होंने उस विकास की बात की। सर उन्होंने प्रॉमिस, आपने प्रॉमिस किया था ना। मेरी बात आ जाती है अजय, पूरी बात हो जाएगी तो आप, अच्छा आपको भी लगेगा, दर्शकों को, क्योंकि दर्शक आपकी डिबेट को देखते हैं। रही बात ये, अभी कमलनाथ चालीसा पढ़ रही थी अनुराधा जी, कमलनाथ जी अनुभवी हैं, हमने उनका अनुभव देखा कि कैसे तबादलों को उद्योग में इन्होंने शिफ्ट कर दिया, उस तबादलों को, तबादला उद्योग को कैसे मध्य प्रदेश में बना दिया, मध्य प्रदेश की जनता ने देखा। अनुराधा जी जो मुख्यमंत्री आया था मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश की जनता को लगा था कि वक्त है बदलाव की बात करने वाले लोग मध्य प्रदेश में उद्योगों का नेटवर्क स्थापित कर देंगे, पर तबादलों को ही उद्योग बनाने में कमलनाथ जी ने अपना अनुभव दिखाया। रही बात आप कर्जे की बात कर रही हैं, निश्चित रूप से जब बजट मध्य प्रदेश सरकार का, जब हमारी सरकार बनी थी तो 23,161 करोड़ था, और आज जो सरकार का विधानसभा का बजट है वो 2,79,236 करोड़ का बजट है, तो निश्चित रूप से वो। और अगर कर्ज लेने की बात, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कर्ज जो ले रहे हैं वो आईफा अवार्ड के लिए नहीं ले रहे हैं। अनुराधा जी प्लीज नोट इट डाउन, आप कुछ नोट कर रही हैं, तो वो आईटा अवार्ड के लिए भी नहीं कर रहे हैं जो आईटा अवार्ड की आपकी थी। मध्य प्रदेश में गांजे की खेती कैसे की जाए, पीसी शर्मा जी इसकी बातें करते थे, उसके लिए भी कर्जा नहीं ले रहे हैं। कमलनाथ जी जो दारू के आबकारी विभाग के साथ जो बैठकें करते थे ना कि 7,000 से 13,000 करोड़ तक कैसे किया जाए, कैसे मध्य प्रदेश में शराब को लेके आया जाए, सॉरी उसके लिए नहीं कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी गरीबों के लिए जो योजना तीर दर्शन योजना आपने बंद कर दी थी उसके लिए कर्जा ले रहे हैं, जो मेधावी छात्र योजना में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है उसके लिए ले रहे हैं, लैपटॉप के लिए, कंप्यूटर के लिए, बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए मध्य प्रदेश का कर्जा ले रहे हैं। और हम निश्चित रूप से अगर कर्जा ले रहे हैं तो हम निश्चित रूप से उन वंचित लोगों के लिए ले रहे हैं जो मुख्य धारा में नहीं है, उनको मुख्य धारा में जोड़ने का काम कर रहे हैं। अरे आप लोगों ने तो वचन देके भी मध्य प्रदेश की जनता के साथ कुछ नहीं कर पाए, झूठ बोलते आए कमलनाथ जी, कपट करते आए, धोखा देते आए, सत्ता प्राप्ति के लिए कैसे भी किया जाए। अरे आपने तो कहा था कि हम 10-10 रुपए उस पर कम करेंगे, पर आपने हर महीने पे कर्जा लेना शुरू कर दिया। आपने कहा था कि 10-10 सिलाई मशीन ग्रामीण उन महिलाओं को दी जाएंगी, आपने एक वचन पूरा नहीं किया। कर्जा माफी की जो बात आप अभी बैठ के कर रही हैं, उस गरीब किसान को आपने उसको लाइनों में लगा दिया कि कैसे नीले कैसे गुलाबी वो फॉर्म दिए जाए। तो ये उनका वो था डेवलपमेंट। अगर आप चाहे रोड को देखें, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, मध्य प्रदेश को जो गति देने का काम किया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया, और उनका यह नाम निश्चित रूप से आपके मुख्यमंत्री जी ने, आपकी सरकार ने बहुत किया। मुद्दा वो नहीं था सर, मुद्दा सिर्फ ये था, मैं अनुराधा जी के पास आ रहा हूँ, सिर्फ ये मुद्दा ये था कि अब जो आप तमाम चीजें करते जा रहे हैं, रोज घोषणाएं करते जा रहे हैं, उसका क्या? अनुराधा जी सवाल ये है कि वो बार बार देखिए आप वही बात कहते हैं कि बहुत निश्चित रूप से हम लोगों ने भी माना था कि कमलनाथ जैसा विजनरी व्यक्ति अगर मध्य प्रदेश का सीएम बन रहा है तो डेवलपमेंट दिखेगा। गाड़ी की ट्रैक, जब गाड़ी ट्रैक पर चलती है, बहुत सारी गाड़ियां प्लेटफॉर्म छोड़ती है तो बहुत धीमी स्पीड से चलती हैं, लेकिन जब शताब्दी एस जन शताब्दी और ये वंदे मातरम, वंदे भारत, ये ट्रेनें जब छोड़ती हैं तो प्लेटफॉर्म से स्पीड पकड़ लेती हैं, दिख जाता है कि बड़ी स्पीड की गाड़ी है, दिखा नहीं वो। और अब जो किस तरह से आप उसी सियासत के स्टाइल आप अपना रहे हो जो तमाम पार्टियां करा करती हैं सियासत में रेवड़ियां बांट करके, ऐसा क्यों? आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं सर, आप जानते हैं पब्लिक डोमेन में 1.5 साल की सरकार में, चुनाव आचार संहिता में वक्त गुजर गया कमलनाथ जी की सरकार का, मात्र उनको 11 महीने मिले, उन 11 महीनों में ही विजन जो आप कह रहे हैं आपने स्वयं कहा, और ये उनके लिए पर्यायवाची है, कमलनाथ जी के साथ विजनरी वर्ड पर्यायवाची है, तो उन्होंने मध्य प्रदेश को जो दिशा देने का कार्य किया, और आप
आज भी उन्हीं बातों पर हम बात कर रहे हैं। आपकी इतनी इतना आपके व्यूअर्स हैं और आपका चैनल जो मध्य प्रदेश में इतना पसंद किया जाता है, आप भी वही बात कह रहे हैं। और सरकार ने भी माना कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ, जो विश्व आदिवासी दिवस पे जो अवकाश घोषित किया था आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार ने। हम तो वही कह रहे हैं कि जो हमने किया और जनता ने उसको सराहा, तो आप ये सर्वित है कि हमको कार्य करने का, हमारी जो कांग्रेस की सरकार को किस तरीके से लोकतंत्र के मूल्यों पर कुठाराघात किया भारतीय जनता पार्टी ने, हमारा कार्यकाल पूरा नहीं होने दिया। अजय जी, इनको सरकार का जाने का दम नहीं, पर आप कुछ नहीं कर पाए। आदरणीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के बोल रहे थे, मैंने बिल्कुल इंटरफेयर नहीं किया। मैं बिल्कुल, आप बोलिए बोलिए, आप बोलिए। हाँ, दुर्गे जी को आना, दुर्गे जी थोड़ा सा प्लीज। मैं हमेशा सम्मान करती हूँ और जी जी आप बोलिए। हाँ प्लीज, चैनल पे बैठे हैं। हाँ हाँ, अनुराधा जी, हाँ प्लीज। अनुराधा, मेरे सवाल थोड़ा सा, थोड़ा अनुराधा, अनुराधा, अनुराधा जी, अनुराधा जी, थोड़ा सा मेरे मेरे सवाल का यही है कि अब इसे घोषणा करने के लिए क्या पड़ रहा है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट इशू रेज कर रही हूं। जी जी प्लीज। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का विजन कोविड-19 पेंडेमिक के बाद आप देखिए, मैं इसी बजट की बात करती हूँ। 4% चिकित्सा शिक्षा विभाग के बजट में कटौती की है आदरणीय शिवराज सिंह जी ने। क्या दर्शाता है ये, आप बताइए मुझे। क्या होना चाहिए था, हेल्थ केयर को हमको और सुदृढ़ बनाना चाहिए था। मैटरनिटी रिलीफ के नाम पर शून्य है इस बजट में। मैं इसी बजट की बात कर रही हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी के। आप देख रहे हैं ग्रामीण इलाकों में आज 18 साल का कुशासन है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का। रोड नहीं है, गर्भवती महिलाएं किस तरीके से जाती है, और आप बताइए उनके लिए मैटरनिटी रिलीफ के नाम पर शून्य। आप बताइए कैसा कैसा प्रावधान है, क्या विजन है उनका उनका। आप सामने में कमलनाथ कि मध्य प्रदेश नंबर वन होना चाहिए। हमने कमलनाथ और शिवराज के विजन पर बहस थोड़ी करने आए हैं। गौरव जी के पास मध्य प्रदेश को आप देखिए विजन पे, उनका विजन। मेरा जवाब ले लीजिएगा, मेरा जवाब ले लीजिएगा विजय जी, मेरा जवाब ले लीजिएगा। अनुराधा जी, एक मिनट, कहीं आगे जाना था। अनुराधा अनुराधा अनुराधा, दो मिनट अनुराधा प्लीज। हाँ, आपको क्योंकि दुर्गा जी को निकलना है। दुर्गा जी अपनी बात कह रहे थे। हाँ देखिए, मुझे लगता है कि ये सिर्फ कमलनाथ चालीसा पढ़ने में इंटरेस्टेड है जो प्रवक्ता है, और जो विजन विजनरी और पर्यायवाची विजनरी और जो बातें कर रही हैं, कमलनाथ जी विनाशकारी नेता थे मध्य प्रदेश का। 15 महीने में विनाश सिर्फ किया उन्होंने। ये अपने आपके मंत्री उमंग श्रृंगार के बात, आप उमंग श्रृंगार की बात सुन लेना कि सिर्फ मध्य प्रदेश को लूटने कांग्रेस के लोग आए, मध्य प्रदेश को कांग्रेस के लोग लूट रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी ब्लैकमेलर हैं, ये उनके शब्द थे। ये आप ही के मंत्री, जब मंत्री रहते हुए जब ये शब्द कहेंगे, तो आपका जो ये विचलित होना है, जो बिलबिलाना है, जो आप विचलित होकर बातें कर रही है, वो इसीलिए कर रही है आप, क्योंकि आपके पास बातें नहीं कर रहे। हम शिवराज सिंह चौहान के विजन पर, कमलनाथ के विजन पर चर्चा नहीं हो रही। चर्चा ये हो रही थी, हम और गौरव जी, मैं आपके पास आता हूँ। चर्चा का मुद्दा ये है कि जो तमाम घोषणाएं हो रही हैं, रेवड़ियां बढ़ती जा रही हैं, ये आखिर ये पॉलिटिक्स मध्य प्रदेश में क्यों? गौरव जी, अजय जी, ये पॉलिटिक्स सिर्फ इसलिए है कि चुनाव को जीतना है और सत्ता में आना है, लेकिन इसका जो दुर्भाग्यजनक पहलू है, जो परिणाम रहते हैं, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। वही मैं समझना चाह रहा था। आज अगर इस पैसे का सही तरीके से सदुपयोग होता, अनावश्यक घोषणाएं नहीं होती, तो आज मध्य प्रदेश में ना BOT पर रोड बन रही होती, ना PPP मॉडल पर बिल्डिंग्स बन रही होती। कर्ज लिया तो नलों का, नगर निगम को कर्ज चुकाना है, उसके लिए अब नलों में मीटर लगाए जा रहे हैं। बिजली विभाग ने जो कर्ज लिए हैं, उसको लेकर के अब स्मार्ट चिप मीटर लगाए जा रहे हैं, जिसमें आपको एडवांस पैसा देना पड़ेगा। डीजल पेट्रोल मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा टैक्स है डीजल पेट्रोल पर पूरे देश में। इसके अलावा जो रोड टैक्स है, वो भी सबसे ज़्यादा है जी। इन सब घोषणाओं को पूरा करने के एवज में सरकार जो अपनी प्लानिंग लेकर चलती है, उस प्लानिंग में से कटौती करके अनावश्यक घोषणाओं को पूरा करने में लगाती है, और उसका पूरा भार आम जनता के ऊपर आता है। इस भार को अगर रोकने में जो भी सफल हो जाए, वही सच्चा हितैषी होगा। बाकी कांग्रेस और भाजपा इस तरीके की बातें करके सिर्फ सत्ता पाने का रास्ता ढूंढ रही है। अनुराधा जी, सिंपल टू द पॉइंट सवाल है। आप बड़ी विजनरी नेता हैं, आप भी अच्छी एडवोकेट हैं। मेरा सवाल, मेरे मन में एक वास्तव में सवाल आता है कि आप लोग ये वाली बात क्यों नहीं करते हैं पब्लिक से कि भाई ये जो कर्ज इनने ले लिया है, इसको हम ऐसे 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 कम करेंगे। आप नई घोषणाएं कर देते हैं, नई तमाम रेवड़ियां जो इसे लॉलीपॉप कहा करते हैं हम लोगों की भाषा में, वो करेंगे तो एक मैसेज तो वही जाएगा ना कि आप भी वही करने जा रहे हो। आप उसको जो आप बात यहाँ कह रही हो कि हाँ इतना कर्जा हो गया, बिजली नहीं था, रोड नहीं बनी, सड़क नहीं बनी, इन सारे मुद्दों की चर्चा आप क्यों नहीं करते हो?
चुनाव के लिए। मैं आपसे वही बात कह रही हूँ सर जी कि आप जनता ने जब जनादेश कांग्रेस को दिया था 2018 में, तो आप लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार को अपना कार्यकाल पूरा करने दीजिए। पूरा कार्यकाल जब जनता का हो जाता है तो आप रिपोर्ट कार्ड देखते हैं। आपने तो कांग्रेस को क्या किया, सर्वविदित है, लोकतंत्र के मूल्यों पर कुठाराघात किया भारतीय जनता पार्टी ने। आज भारतीय जनता पार्टी और जो कमलनाथ जी ने और जो कांग्रेस की सरकार ने जो किया, आप बताएं ना उनको उन्होंने क्या किया। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि अगर हम मेरे पास थोड़ा सा समय वही कहना चाह रही हूँ कि मध्य प्रदेश की जनता ने जनता को एक विजनरी नेता आदरणीय कमलनाथ जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, कांग्रेस की सरकार बनते ही आखिरी 20 सेकंड की टिप्पणी 10 सेकंड की टिप्पणी गौरव आपसे कि वही बात हम लोग बार बार बात कर रहे थे कि आप इतनी रेवड़ियां क्यों बांट रहे हैं, इस मुद्दे पर सियासतदार क्यों नहीं आ पाते हैं। गौरव देखिए, अगर रेवड़ियां नहीं बांटेंगे तो सत्ता में नहीं आ पाएंगे, सीधी सीधी बात है। और जो कमिटमेंट हमने पिछले चुनावों में किए थे जनता के साथ, जब उसे पूरा नहीं कर पाने का खामियाजा जब परिणाम रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने आता है, तो हमें नई घोषणाओं से उसको पूरा करना पड़ता है। बिल्कुल गौरव ने बिल्कुल आखिरी बात जो गौरव जी की है उसमें मैं सहमत हूँ कि दोनों से हमारे मेहमान दुर्गेश जी और अनुराधा जी मानने को तैयार नहीं कि नई घोषणाएं क्यों करनी पड़ती। पर जो बात गौरव कह रहे हैं कि अगर ये सियासतदार नई घोषणाएं ना करें तो शायद जनता इन पर भरोसा नहीं कर पाएगी, और इसीलिए मध्य प्रदेश में भी वही शुरू हो गया है, हालांकि 11 महीने बाकी हैं। अनुराधा जी फिर इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, मेरे पास समय की बहुत कमी, इस प्रोग्राम को मुझे खत्म करना पड़ेगा। गौरव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अनुराधा जी बहुत बहुत शुक्रिया, दुर्गेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रोग्राम बस यहीं तक, लेकिन खबरों का सिलसिला चलता रहेगा, इसलिए जाइएगा मत, लगातार देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।